charity for the brutal murder and rape of that young doctor. They should be protected, but they are. She died because of due to lust, greed, corruption. That's why for the years nobody gets justice. So we just hope that there will be speedy justice for all such people. Which has no excuse. Whoever has committed the crime, who was in the crime, who was before the crime, after the crime, needs to be hanged at any cost. Now the question that arises, why society is degrading like this? What is the reason for this derailment that is happening to every section? You know, after this heinous act of a crime in Kolkata, then many small crimes of rape is going on. इस इंडिया जो है ना, ये लैंड देवी शक्ति का लैंड, इसमें क्या नहीं हो रहा है? यू नो, दिस इज अ हॉरिबल ब्रूटैलिटी अगेंस्ट वुमेन हैपनिंग एवरीवेयर. जहाँ बोल रहे महाराष्ट्र में हो रहा है, कोलकाता में, जब शिलोंग मेघालय भी कोई इससे पीछे नहीं हो रहा है. यू नो, एवरीवेयर ये क्यों हो रहा है? सवाल है कि क्यों, व्हाई आर वुमेन टारगेटेड एवरीवेयर एंड विद सच ब्रूटैलिटी? सो माइंडसेट क्या हो गया सोसाइटी का, जो एनिमल से भी बदतर हो गया हमारा? यू नो, ये सब माइंडसेट के ऊपर है. घटा है ये डॉक्टर्स के साथ. ये डॉक्टर है जो हमें जीवन दान देते हैं. ये डॉक्टर हैं जो हमें हम सुरक्षा हॉस्पिटल जाते हैं तो इलाज हमारा पॉसिबल होता है. आज वो डॉक्टर ही अनसेफ है. सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टर के साथ सिक्योरिटी का बात किया है कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी मिलना चाहिए, ये सब हम लोगों को समझ में आ रहा है क्या हाल हो रही है. अभी डॉक्टर को भी सिक्योरिटी के साथ चलना पड़ रहा है. मेरी बेटी बोल दी हम लोग बाहर भेजो. अब हम लोग यहाँ शिलोंग में थोड़ी देर हो जाती है. पहले बोलते थे लड़कियाँ जाती है, छोटा कपड़ा पहनती है, लड़के लोग के साथ में रात को घूमने जाती है, तब रेप होता था. अभी क्या हुआ? अभी तो पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल में थी, क्योंकि एवरी उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ और क्यों उनको सजा नहीं मिल रहा है? मैं तो बोलती हूँ जो भी करे उसको इमिडिएटली पब्लिक की सजा दी. मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर में उन लोग का पनिशमेंट देना है. पकड़ना तो है, क्योंकि ये हमें खाली रेप केस नहीं है, ये हमें मॉनिटर इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे ये सबको पता है. लेकिन सबको पता है आज सीबीआई का आज ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 4 करोड़. एटलीस्ट उन लोग को पकड़ना है, उन लोग को कांडगढ़ में ले लाना है, फिर उन लोग को पूछना है क्या हुआ था बोले, और वो पब्लिकली करना है. बात
दिया है, ये सुन रहा है, ये सुन रहा है जो कोई सिविल डॉक्टर भी हिंदू भाई।